नमस्ते मामा जी। अरे तो ये कितनी बार किया है, थाने में मुझे मामा जी ने कहा था नौकरी खतरे में पड़वाया था, क्या बता कैसे आया? वो जीजा जी को एक इत्तला देनी थी। क्या देनी थी? ला मुझे दे दे। अरे जीजा जी को दी या मामा जी को दी, बात तो एक ही है। अरे आपको नहीं, जीजा जी को देनी है इत्तला, खबर। खबर? अच्छा खबर, हाँ। वाह बेटा जी, नौकरी लगी हमारी सिफारिश से और खबर देनी है जीजा जी को हैं? अरे मार्कशीट तो जीजा जी ने बनवाई थी, वरना 8वीं पास को पुलिस में कौन भर्ती कर रहा है? मार्कशीट को नमक लगा के चाटते क्या? 50,000 का चढ़ावा किसने चढ़ाया था बड़े साहब को? मामा जी ने। अच्छा तो हर महीने सट्टे वाले से पैसे कौन दिलवाता है? बंद कर, वरना ऐसे एक दूसरे की पोली खोलते रहेंगे शाम तक। जीजा जी कहाँ हैं? ये क्या सो रहे हैं? जीजा जी, जीजा जी, चोर चोर चोर, चलो एक काम करते हैं, फिर इन पैसों में से हम आधा आधा बांट लेते हैं। ऐसे कैसे आधा आधा बांट लोगे? इसके अंदर मेरा भी तो हिस्सा है। नमस्ते जीजा जी। तुझसे कितनी बार कहा है मुझे जीजा जी मत बोला कर, ये रिश्ते नाते घर पे छोड़ के आया कर, वरना लोग कहेंगे सारा स्टाफ अपना खानदान का भर रखा है। मुझे यहाँ पर साफ जी को लेकर। अच्छा बता कैसे आया? बार बार डांटा ना करो, और शाम को तो आपको घर ही आना है ना, और घर पर तो दीदी। अरे थाने की बात घर में क्यों ले जाता है? अच्छा बता कैसे आया? हाँ साहब जी, एक बहुत बड़ी खबर लेकर आया हूँ मैं। बड़ी खबर? क्या किसान आंदोलन खत्म हो गया क्या? नहीं नहीं, उससे भी बड़ी खबर। उससे भी बड़ी खबर? अरे कोरोना खत्म हो गया क्या? अरे नहीं नहीं, उससे भी बड़ी खबर। अरे तो 15-15 लाख रुपए अकाउंट में आ गए क्या? अरे नहीं साहब, उससे भी बड़ी खबर है। दरअसल हमने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करी है। अरे पहेलियाँ ही बुलाता रहेगा, क्या कुछ बताएगा भी? दरअसल साहब जी, हमने एक शराब पर ट्रक पकड़ लिया है। शाबाश, ये काम बढ़िया करा। अब आगे क्या कार्रवाई करनी है वो बताइए। एक काम करो, एक ट्रक छोटे का भी पकड़ लो और एक नमकीन का भी। अब गुद्दी क्या खिजा रहा है, क्या काम पे लग जा, जल्दी जा। यार ये मोबाइल तो मुझे कंगाल करके छोड़ेगा। क्या हुआ साहब जी? अरे जब भी देखो बैटरी लो बैटरी लो। अच्छा, ना जाने 5-6 बैटरियां बदल चुका हूँ। अरे साहब जी, बैटरी लो का मतलब है इसमें चार्जिंग कम हो गई है, इसे चार्जिंग पे लगा दो साहब जी। ये स्कूल वाले भी ना, जब से लॉकडाउन में स्कूल बंद हुए हैं, ये स्कूल वाले बच्चों का होमवर्क मेरे मोबाइल पर भेज देते हैं। अब देखो क्या लिखा है, धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, जैसा दूसरा वाक्य बनाओ। तो इसमें क्या है, सानिया मिर्जा का बच्चा न इंडिया का न पाकिस्तान का। एक और। अच्छा इस वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, बसंत ने मुझे मुक्का मारा, बसंत पंचमी। अरे साहब जी आप भी। साहब ने पॉकेट मारी साहब, ये चोर पॉकेट मार चोर है। नहीं साहब, ये छोटे-छोटे बच्चे हैं, नाम छोटे-छोटे बच्चे हैं। किसकी जेब काटी है इसने? बता दूं? बताता क्यों नहीं, किसकी जेब काटी है? साहब मेरी पॉकेट मारी है इसने। मेरी जेब काटी है? हाँ साहब, लेकिन मैंने पर्स वापस कर दिया, पर्स में कुछ निकला ही नहीं, बस एक पर्ची निकली थी, उसमें ये लिखा था कि ऑटो वाले से ठेली वाले से कितनी कितनी उगाई करनी है। मेरे छोटे छोटे बच्चे साहब, जेब में डाल उसको। मेरे छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं क्या? क्या तुमने जेब काटी है? अच्छा ये बता, एक पुलिस वाले की जेब तूने काटी कैसे? जान दो साहब, ये जेब काटने को उन्हें सीख के आप क्या करोगे? अच्छा खासी नौकरी है तुझे आपकी पुलिस की। चुप कर। साहब मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं साहब। हाँ हाँ पता है तेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। कान पकड़, आगे से कभी जेब नहीं काटेगा। कान पकड़ और माफी मांग। पकड़ी साहब, पकड़ी साहब। अबे इसके नहीं, अपने कान पकड़। इसके नहीं, अपने। कान पकड़ता हूँ साहब, मैं वादा करता हूँ साहब, आगे से कभी जेब नहीं काटूंगा। अब बताओ पीछे से क्यों? छोटे छोटे बच्चे हैं। चल भाग यहाँ से, चल चल। इंस्पेक्टर साहब, सब मेरे छोटे छोटे बच्चे। हमारा कैसे आओ, मेरे पास तो पासपोर्ट ही नहीं है। अरे इंस्पेक्टर साहब, हम तुम्हारे पासपोर्ट बनवा देगा, हम तुम्हारे इंटरनेशनल पासपोर्ट बनवा देगा। तुम हमारा जल्दी को ढूंढ दो। पर मैं इंस्पेक्टर नहीं हूँ। अरे इंस्पेक्टर साहब, हमारा नजमी को ढूंढ दो, हमारा नजमी खो गया। अरे मैं इंस्पेक्टर नहीं हूँ, इंस्पेक्टर साहब वो है उधर बैठे हैं। इंस्पेक्टर साहब, हमारा नजमी को ढूंढ दो, हमारा नजमी खो गया। हम तुमको इनाम देगा, हम तुमको धर्म दिनार देगा, हम तुमको सोना चांदी में दोगा। अरे पहले बताना था ना भाई, मैं तो एक महीने से डाइटिंग पर चल रहा हूँ, मेरे तो 2-3 किलो वजन भी कम हो गया। कोई इंस्पेक्टर साहब, कुछ भी करो, हमारा बेजबी को ढूंढ दो, वरना आप पागल हो जाएंगे। इंस्पेक्टर साहब, हमारा बेजबी को ढूंढ दो, हमारा जुनून, हमारा दिल का सुकून, हमारा मेजबी खो गया। अब कहाँ खो गया? एयरपोर्ट पर खो गया। अब उसको अपना मुल्क साथ में हवाई जहाज में बिठा कर लाया, खुद उसको एयरपोर्ट पर धरा, उसका घर का निकल गया, इसलिए कि उसके साथ ले गया। मेजबी हमारा दिल का सुकून है, हमारा जुनून है, हमारा खून है, हमारा मेजबी को ढूंढ देंगे तेरी मेजबी को। जाओ इधर रिपोर्ट लिखवा दो, जाओ। इंस्पेक्टर साहब, हमारा मेजबी का रिपोर्ट लिखो, हमारा मेजबी खो गया। हाँ लिखते लिखते हैं, लेकिन फिलहाल तो मेरा पेन खो गया। हाँ मिल गया। क्या मेजबी मिल गया? नहीं नहीं, पेन मिल गया भाई। हाँ लिखते हैं। हाँ तो दिखती कैसी तुम्हारी मेजबी? बस ये समझ लो इंस्पेक्टर साहब, जैसे तुम्हारा इधर का फिल्म का हीरोइन लोग होता है ना, जैसे एक हीरोइन है तुम्हारा, वो एंटीना के कैटरीना कैफ। एंटीना कैफ? अबे एंटीना कैफ नहीं, कैटरीना कैफ। वही 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 वही। और तुम्हारी मेजबी का हुलिया कैसा था? हलवा? अबे हलवा नहीं, हुलिया। वो दिखती कैसी थी, उसके बाल कैसे थे? बाल? हाँ। बाल बाल उसके इधर तुम्हारा फिल्म का हीरोइन लोग होता है ना, एक हीरोइन है तुम्हारा जो कोना कोना में जाके पाता है। पादुकोण? पादुकोण? अबे दीपिका पादुकोण। हाँ वही वही, दीपिका पादुकोण। अरे दीपिका पादुकोण, हाँ वही 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 वही। अबे यार वही वही। और आंखें कैसी थी? आंखें आंखें हमारे जैसा था बिल्कुल। ऐसे कैसे पता चलेगा? दिखती कैटरीना कैफ की तरह है, बाल उसके दीपिका पादुकोण की तरह है, और आंखें तेरी तरह हैं। अबे कोई फोटो है तेरे पास उसका? दिखा फिर, हमारे मोबाइल में उसका फोटो दिखाते हैं हम तुमको। दिखा दिखा, ये देखो। मैं ढूंढूंगा मेजबी को, मैं ढूंढूंगा, मैं ढूंढूंगा मेजबी को, मैं ढूंढूंगा। ये देखो हमारा मेजबी, हमारा मेजबी, ये हमारा मेजबी। अरे मैं ढूंढ दूंगा उसे, मेरे को लड़कियों को ढूंढने का बड़ा एक्सपीरियंस है। पता है ना कोठे पे जब जाते हैं तो ढूंढ ढूंढ के सबसे पहले लड़कियों को कौन निकालता है। तुम तो रहने दो मामा जी, मुझे पता है तुम किस चक्कर में लड़कियों को ढूंढते हो। मामी को पता चला ना तो फिर नहीं, मैं तुम दोनों से सीनियर हूँ, मैं ढूंढ के लाऊंगा महजबी को। जीजा जी तुम तो रहने दो, शाम को घर भी जाना है और फिर दीदी यार तू घर को बीच में क्यों ले आता है? मैं ढूंढूंगा। अरे साहब जी मैं ढूंढूंगा। अरे कानून कानून हमारा फोन आया है। हेलो मिल गया मिल गया। कहाँ? अच्छा 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 हमारा पैसे भी मिल गया। कहाँ से मिल गया? अरे कोई नामाबूल कमबख्त नामुराद उसको एयरपोर्ट पे खाने पीने का लालच दिखाकर उसको अपने पीछे पीछे ले गया। हमारा पीछे पीछे गया, अब हम चलता है। शेख साहब अब तो आपकी बेचैनी मिल गई तो अब तो हमें कुछ खिला पिला दो। आप कैसी बात करता है इंस्पेक्टर साहब, हम तुमको खिलाने का भी पिलाने का भी, हम तुमको हमारी बेचैनी से दूध पिलाएगा। दूध दूध कैसी बात करते हो शेख साहब, ऐसा कैसे दूध पी लेंगे हम? तुम्हारी महजबी का अरे तुम्हारी महजबी है या कोई भैंस बकरी है जो दूध देती है? इंस्पेक्टर साहब तुम बिल्कुल सच बोला, हमारा बकरी का नाम ही महजबी है। हमारा मुल्का कभी भी हम चलते हैं, हम चलते हैं। अरे जब वो शेख अंदर घुसा था ना मुझे तो जब ही पता चल गया था कि वो पागल है, बेवकूफ बना रहा है हमें। मुझे तो पहले ही पता था कि महजबी उसकी बकरी का नाम है। अच्छा मुझे तुम दोनों एक बात बताओ जी, भैंस के कितने थन होते हैं? बकरी के कितने थन होते हैं? दो। तो महजबी के एक थन में तू मुंह लगाना और दूसरे थन में तू मुंह लगाना, दोनों पीते रहना महजबी का मीठा मीठा दूध। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ में बेल आइकन भी बजा देना। ऑनलाइन एंटरटेनमेंट।